हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सीमा लक्ष्मी गार्डन से और मेरा सुबह का नमस्कार। और मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी देती हूँ पौधों के बारे में, जो मैं अपने पौधों में करती हूँ और क्या करती हूँ, किस तरीके से फ्लावरिंग मिलती है और क्या क्या करती हूँ, तो उसी से अपने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देती हूँ। तो अगर जो मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आए और मेरी जानकारी आप लोगों को समझ में आए, तो आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा कि किस तरीके से मैं वीडियो बनाना चाह रही हूँ, क्या क्या आपको मैसेज देना चाह रही हूँ। तो जैसे आज 4 मार्च हो गई है, मार्च के जनवरी फरवरी में जाड़ा ख़त्म हो जाता है, फरवरी के बाद फरवरी में स्प्रिंग सीजन आता है, स्प्रिंग सीजन में सारा पतझड़ हो जाता है, तो पौधों में बिल्कुल नई नई लीफ निकलती हैं। और तो अगर जो आपको कट करना है, पौधों को छोटा करना है, तो आप छोटा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये देखिए रातरानी का पौधा छोटा किया है, चांदनी का प्लांट कटिंग कर ली है, इसमें देखिए नई नई लीफ आने लगी है, आपको पास में दिखाती हूँ, नई नई लीव्स आने लगी। और जब इसमें फ्लावरिंग वगैरह होने वाली होगी, तब ये हमारी लीव्स 1 महीने के अंदर हमारी लीव्स बड़ी बड़ी हो जाएंगी और बर्ड्स आके फ्लावरिंग करने लगेगा और आपका पौधा छोटा का छोटा रहेगा। क्योंकि गमले में जब हम पौधा लगाते हैं तो इतना बड़ा उसकी में स्पेस नहीं होती कि बहुत बड़ा प्लांट हमारा हो जाए, तो उसको हाइट में छोटा रखते हैं। तो हाइट में जब छोटा रखते हैं तो फ्लावरिंग आपको भयंकर देर मिलती है और इसमें खाद समय समय से खाद पड़ती रहे, पानी मिलता रहे, तो फ्लावरिंग बढ़िया से करती है। और ये भी मेरा चांदनी का प्लांट है, ये हमारा मेहंदी का प्लांट है, सारे प्लांट मैंने कट कर दिए थे और सब में नई नई लीव्स आने लगी। क्योंकि जब लीव्स नई नई आती हैं स्प्रिंग सीजन के बाद में, जब पतझड़ हो जाता है, जब नई लीव्स आती हैं, तो पूरे एक साल के लिए वो लीव्स हमारी नई लीव्स होती हैं, जो उसमें फ्लावरिंग भी होती है, समय समय पर 2 बार फ्लावरिंग सीजन में होती है। उसके बाद में फिर पतझड़ आता है फरवरी में, उसके बाद में फिर पत्ते झड़ जाते हैं, फिर नए लीव्स, जिसे हम लोग अपने नए नए कपड़े पहनते हैं, इसलिए नया साल होता है हमारा मार्च में, तो नई नई पत्तियाँ आती हैं, नए नए फ्लावर्स खिलते हैं और बहुत ही खूबसूरत मौसम हमारा होता है। क्योंकि जाड़ा जाने वाला होता है और गर्मी की शुरुआत होती है, हमारे प्राकृतिक चीज़ें हैं ये, तो जब प्राकृतिक चीज़ों में हम लोग पैर रखते हैं, जैसे जाड़े के बाद गर्मी में पैर रखते हैं, तो अलग एनर्जी होती है, अलग ऑक्सीजन मिलती है हम लोगों को, पौधों से ऑक्सीजन मिलती है। तो मैं आप लोगों को अपने वीडियो के पास ले चल रही हूँ। हमारा देखिए ये बोगनविलिया का प्लांट है, कितनी छोटी हाइट में मैंने इसमें कटिंग करके छोटा सा बनाया है। बहुत बोगनविलिया के बहुत सारे, ये हमारा प्लांट जो है बोगनविलिया का, बहुत अगर जो मैं कटिंग ना करूँ तो बहुत लंबी लंबी इसकी स्टेम जाती थी। और मैंने गमले में लगाया है, आपको देखिए हमारा 15 इंच का गमला है और मैंने अपनी बाउंड्री पे रख रखा है छत के ऊपर, तो ये मैंने छोटी हाइट में इसको कर दिया, चारों तरफ से आप देखिए कटिंग कर दी थी और कितनी भरपूर मात्रा में फ्लावरिंग हुई है। क्योंकि इस समय बोगनविलिया का सीजन चल रहा है, तो अगर जो आप पहले से इसमें इसको तैयार करते हैं, तो आपका ये इतना खूबसूरत बोगनविलिया का प्लांट लगता है, जो कि आज मैंने सोचा कि लाइए आप लोगों को दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप अपनी बोगनविलिया का केयर करें। जब भी कोई अपना आपका पौधा बड़ा होने लगता है, बड़ी बड़ी स्टेम निकालने लगता है, तो आप तुरंत कट कर दें। और कट करने का एक समय होता है, एक तो और अक्टूबर सीजन में आप कट कर सकते हैं, या तो फिर फरवरी में आप कट कर सकते हैं, क्योंकि पतझड़ उस समय होता है। फरवरी में जब आप काट देंगे तो मार्च अप्रैल तक इसमें फ्लावरिंग, इसको मैंने बहुत पहले ही बीच में कटिंग करने लगती हूँ, जब भी फ्लावरिंग हो जाती है तो जहाँ पे लगता है कि लंबी स्टेम हो गई मैंने काट दिया, तो इस तरीके से हमारा पौधा छोटा रहता है। और उसमें फिर गुड़ाई करने के बाद में खाद वाद की ज़रूरत पड़ती है, तो वो समय समय पर मैं अपने वीडियो पर मैं बताती रहती हूँ कि किस तरीके से आप अपने खाद दें। और पिछले वीडियोज मैंने बताया कि DAP खाद से आप पौधों में फ्लावरिंग, बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकती हैं। ये हमारा जैसे 15 इंच का गमला था, तो मैंने बहुत सारी इसमें 1 चम्मच से ज़्यादा इसमें खाद दी थी और पानी, बोगनविलिया में पानी बिल्कुल ज़्यादा ना दें, जब बिल्कुल आपकी मिट्टी ड्राई हो जाए तब पानी दें। और जब मिट्टी ड्राई रहती है तो हमारी फ्लावरिंग बहुत अच्छी रहती है, ज़्यादा पानी है बोगनविलिया में, क्योंकि आप लोग रोड पर देखते होंगे, सड़क पर किनारे किनारे जब बोगनविलिया के प्लांट होते हैं, हमारे हाईवे पर हम लोग जाते हैं, तो बीच बीच में बोगनविलिया लगाई जाती है, क्योंकि उसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कनेल का प्लांट, उसमें भी बहुत पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप उसमें वो 1 साल के लिए पानी बरसात में स्टोर कर लेता है अपनी जड़ों में, तो उसके बाद में वो सालों साल, जब सीज़न आता है हमारा गर्मी का, तो समर सीज़न आता है, उसके बाद में हमारा बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं ये प्लांट। तो अलग अलग सीज़न के अलग अलग प्लांट होते हैं। बोगनविलिया हमारे सीज़न में 2 बार खिलती है, 2-3 बार खिलती है, तो अब ये हमारी बोगनविलिया के लिए कितना सुंदर सा, कितना बढ़िया सा फ्लावरिंग हुई है। छोटा का छोटा प्लांट है, आप देखिए दूर से भी दिखा रही हूँ आपको, पास से भी दिखा रही हूँ, कितना छोटा
गमले में लगा है, कितना खूबसूरत हमारा गार्डन की शोभा बढ़ा रहा है। ऐसे हमारे पास एक दूसरा बोगनविलिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारा छोटा दूसरा बोगनविलिया, इसमें इसमें भी मैंने कटिंग कर दी थी, तो अब छोटी छोटी सी इसमें लीफ निकल रही है। आप देखिए ये जो लीफ निकल रही है, इसमें फ्लावरिंग शो हो जाएगी, और फ्लावरिंग होगी तो बहुत खूबसूरत। इसका अलग कलर है, बहुत सुंदर सा कलर इसका आता है खिल के। ये देखिए ये लीफ जो हमारी निकल रही है, इसमें फ्लावरिंग, इसमें कलरफुल लीफ निकल रही है। यही इसमें फ्लावरिंग कितना छोटा सा हाइट में, आप देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। ये भी हमारा 15 इंच का गमला है, हमारे पास 4 गमले हैं 15-15 इंच के, मैंने 4 बोगनविलिया लगाई हुई हैं। और चाहे आप इनको लंबा कर सकते हैं, चाहे आप छोटा कर सकते हैं, तो हम मैंने आपको बताया कि छोटा करके आप बाउंड्री पे रखें तो बहुत ही खूबसूरत बोगनविलिया लगता है। और तीसरा बोगनविलिया मैं आपको दिखाती हूँ, ये हमारा तीसरा बोगनविलिया है, ये भी एक सेम गमलों में मैंने लगा के रखा है। और ये देखिए, ये देखो, ये भी छोटा है और इसमें भी छोटी छोटी सी नई नई लीफ निकलने लगी है। तो जब ये लीफ्स हमारी, ये देखिए सबसे ऊपर लीफ निकली है, लीफ इसमें छोटे से छोटा सा लीफ निकली है और उसमें कलरफुल लीफ निकलने लगेंगी। यही हमारे फ्लावर बोगनविलिया के होते हैं। और जब लीफ निकल आएंगी तो ये हमारी ये वाली पत्ती बिल्कुल फॉल हो जाती है। और ये हमने देखिए इसमें इसमें ऊपर रखा हुआ, तभी मैंने नहीं देखा, ये इसमें छोटे छोटे से पौधे हैं वो हम निकाल के फेंक देते हैं। उसमें मैंने DAP दी थी और DAP से हमारा गुड़ाई करने के बाद बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। और 3 प्लांट मैंने लगाए थे, तो अलग अलग समय पे अलग अलग इसमें फ्लावरिंग होती है। जो हमारा जो मैंने अभी ये वाला अपना प्लांट दिखाया है, इसमें जो फ्लावरिंग हुई है वो सबसे पहले हो गई, और मैं आपको दिखाते हुए चल रही हूँ। बहुत सारे पौधे मैंने बाउंड्री पे रख रखे हैं। तो और लास्ट वाला जो हमारा बोगनविलिया का प्लांट है, तो वो हमारा खिल के देखिए सामने आया, इतना खूबसूरत खिला हुआ है। और एक और मैं अपना बोगनविलिया दिखाती हूँ, जो हमारा क्लाइंबिंग बोगनविलिया है, ये हमारा, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने अभी कल इसको ट्रांसप्लांट। हाँ, एक बात और मैं बताना चाह रही हूँ कि कोई भी आपका पौधा अगर जो जड़ें निकाल चुका है, तो आप अपने इसी समय, ये सीज़न बहुत ही बेस्ट सीज़न है कि अपने पौधों को ट्रांसप्लांट कर सकती हैं। जैसे गुड़हल का प्लांट है आपका, और कोई भी, जैसे हमारा ये हरसिंगार का प्लांट नीचे हमारे ग्राउंड फ्लोर पर लगा हुआ था, तो वहाँ पर हमको लग रहा था हमको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है आने जाने में। तो मैंने इस हमारे पास बाल्टी टूट गई थी, बड़ी बड़ी बाल्टी है, बहुत ही कम से कम 20 लीटर की बाल्टी है। इसमें मैंने हरसिंगार कल लगाया सुबह सुबह और छाया में रखा है, तो अब 4-5 दिन हफ्ते भर छाया में रखा रहेगा, उसके बाद मैं इसको धूप में रखूंगी और इस साल हमारे शायद इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो मैंने इसको ट्रांसप्लांट किया है और हमारा ट्रांसप्लांट करना ही सक्सेसफुल हो गया है, क्योंकि नीचे से मैंने जब ज़मीन से निकाला था तो एक भी जड़ हमारी डिस्टर्ब नहीं हुई थी, और मैंने इसमें लगा दिया, कल लगाया था। अगर जो इसमें लीफ सूखने वाली होती तो सूख जाती, मेरी लीफ कोई भी नहीं सूखी, इसलिए ये हमारा सक्सेसफुल हो गया है। और जब मैंने पानी इसमें भरा, देखिए पानी आज मैंने मॉर्निंग में भरा तो नीचे पूरा पानी आ गया है। तो हमारी ये हमारा जो गमले के ड्रेन होल हैं वो भी हमारा सही बना हुआ है। तो अब मैं इसको इस पर पेंट कर दूँगी, तो पता ही नहीं चलेगा बाल्टी में लगा है किस में लगा है। इसी तरीके से आप इस, और ये इसको भी मैंने अपराजिता को देखिए ट्रांसप्लांट किया था, छोटे से गमले में लगा था, इसमें मैंने ट्रांसप्लांट किया, इसकी लीफ देखिए निकलने लगी हैं। और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं, आप इस सीज़न में ट्रांसप्लांट कर सकती हैं, बहुत ही खूबसूरती से आपने आपके पौधे चल जाते हैं। तो मैं अपने बोगनविलिया के पास ले चल रही हूँ, हमारा बोगनविलिया लगा हुआ है, चौथा बोगनविलिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और ये हमारा चौथा बोगनविलिया मैंने स्टैंड पे कर रख रखा है, ये हमारा क्लाइंबिंग बोगनविलिया है। तो मैंने इसको बहुत शॉर्टकट नहीं किया है, और जब छोटा काट देंगे तो फिर ये छोटा रह जाएगा। और लेकिन थोड़ी थोड़ी सी इसकी स्टेम देखिए लंबी हो रही है, आपको दिख रही होगी, लंबी लंबी स्टेम है और इसमें फ्लावरिंग शुरू हो गई। ये पिंक कलर का फ्लावर आता है इसमें, बहुत ही खूबसूरत। और बोगनविलिया में खासियत बात है कि एक ही महीने तक ये फ्लावर लगे रहते हैं, बहुत ही सुंदर आपके गार्डन की शोभा बढ़ाते हैं। और इसमें भी मैंने DAP खाद दे दी थी, DAP खाद 1 चम्मच, और देखिए कितनी बढ़िया से इसमें फ्लावरिंग हो गई है। इसी तरीके से आप अपने पौधों में इस समय कटिंग करने वाले हैं तो काट दीजिए। और बाकी मैंने ये देखिए सारे जो लगाए थे मैरीगोल्ड के लगाए थे, तो कितने बढ़िया सब चल गए हैं, बहुत सुंदर से चल गए हैं सारे मैरीगोल्ड। और ये सब हमारे हिबिस्कस के प्लांट हैं, मैंने सब DAP दे रखी है सारे, इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी, नई नई लीफ निकलने लगी है। तो मेरा कहने का मतलब है, कोई भी पौधा अगर जो आपको स्प्रिंग सीजन में ये लीफ्स फॉल कर देता है, उसके बाद में आप DAP वगैरह खाद देने के बाद में आपकी लीफ में, और देखिए नई नई लीफ निकलने के बाद फिर बड भी बनाने लगा है। जब खाद सही पड़ने लगती है तो आप बड बनाती हैं,
और ये देखिए हिबिस्कस का प्लांट कितनी सुंदर सा इसमें बड लगी है, और ग्रीन ग्रीन हमारा प्लांट है। और ये मेरा मैंने लगाया था, ये देखिए सारे मैंने मैरीगोल्ड लगाए हैं, तो कितनी सुंदर सी बड्स बनाने लगे हैं, और बहुत ही बढ़िया से हमारे समर सीजन के मैरीगोल्ड फ्लावर्स खिलेंगे और बहुत खूबसूरत हमारा गार्डन लगने वाला है। इसी तरीके से मैं अपने बीच बीच में वीडियो बना लिया, क्योंकि ये मैंने देखिए ट्रांसप्लांट किया था, छोटे से पॉट में लगा था। तो रोज़ प्लांट तो देखिए कितनी खूबसूरती से लीफ निकल आई हैं, बहुत सारी जब लीफ हरी हरी निकलती है उसमें भी बर्ड्स बनाने लगेगा और बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होगी। और यही मेरा मैसेज था, यही मेरा अपना मेरा वीडियो था कि किस तरीके से मैं समय समय पर अपने पौधों की कटिंग करती हूँ और ट्रांसफ़र करना होता है तो मैं ट्रांसफ़र भी करती हूँ। जो सीज़न होता है, जिस सीज़न में ट्रांसफ़र करने वाला होता है, तो मैं अपना वीडियो बना के आपको दिखाती हूँ। आशा है मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे लिंक को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा और मेरा मोटिवेशन बढ़ाते रहिएगा। और थैंक यू।